जिससे उसकी जो लार्वल अवस्था होती है वो आसानी से उसमें सर्वाइव कर सकती है, पानी ठहरा हुआ। तो आप ठहरा हुआ पानी ना रहने दें, ठीक है। उसके लिए गड्ढों को भर दीजिए, ठीक है। और गड्ढों को नहीं भर सकते तो उसके अंदर आप ऐसी चीज़ डालिए जो कि उन लार्वा को क्या कर सके, यानी डिसइंफेक्टेंट्स। क्या डालेंगे आप? डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स या कुछ ऐसी ड्रग्स या केमिकल्स जो कि इनके अंदर पनप रहे, इन पानी के अंदर पनप रहे मॉस्किटो के लार्वा को या मॉस्किटो को किल कर सके, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई। ये तो हो गया इसका प्रिवेंशन। एक होता है इसका बायोलॉजिकल प्रिवेंशन। बायोलॉजिकल यानी प्राकृतिक तरीके से, हमने किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया। किस तरीके से रोक सकते हैं? जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर है और पानी ज़्यादा लेवल होने से, और ठहरा हुआ पानी भी है या धीरे बह रहा है वहाँ, और वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ उस एरिया में कन्फाइंड है यानी मोस्टली पाई जाती, तो ये तय है कि उस पानी के अंदर प्लाज्मोडियम किस तरीके से आएगा, क्योंकि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज पानी के अंदर है और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को फीड करने वाली गैम्ब्यूसिया, गैम्ब्यूसिया एक प्रकार की मछली है जो कि लार्वा को ईट करती है, तो वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के लार्वा को क्या करेगी? ईट करेगी। और लार्वा ही जब डेवलप नहीं होगा तो इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। प्लस बतख, बतख भी लार्वा के ऊपर फीड करते हैं। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रिवेंशन, ठीक है। प्राकृतिक तरीके से मलेरिया की रोकथाम हमने कैसे करी? गैम्ब्यूसिया फिश को इंट्रोड्यूस करवा कर ऐसे तालाबों में जहाँ पर ये मॉस्किटो या उसके लार्वा उपस्थित होते हैं, और डक्स, ठीक है। दूसरी चीज़, वनस्पति या कूड़े करकट को या अपशिष्ट पदार्थों को वहाँ से हटाना। क्या करना? हटाना, इकट्ठा नहीं होने देना। डिपोजिशन इज अवॉइडेड। और अगर अवॉइड आप नहीं कर पाए, अर्थात वहाँ पे ऑलरेडी कूड़ा करकट है, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप? रिमूवल ऑफ दी वेस्ट, रिमूवल ऑफ दी वेस्ट और फीकल मैटर, जो भी वेस्ट पदार्थ है उसको आप वहाँ से रिमूव करें। थर्ड, ऐसी वनस्पति को ग्रो ना होने दें जिसके ऊपर आसानी से ये मॉस्किटो आकर बैठते हैं, अपने अंडे देते हैं, ठीक है। यानी आसपास की वनस्पति, या आप बोल सकते हैं जितने भी वेजिटेशंस हैं उसको क्या करना? वहाँ से हटा देना, जैसे बुशेस, ठीक है, झाड़ वगैरह जो कि हेल्प करते हैं पानी को रोकने के लिए, उनको वहाँ से क्लियर कर देना। तो ये तो हो गई। और वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि एक प्रकार का केमिकल ट्रीटमेंट है, ये सबको पता होगा, लेकिन इस केमिकल ट्रीटमेंट को बैन कर दिया गया है। इसे बोला जाता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन यानी कुछ चीज़ जलाकर, कुछ ऐसे पदार्थ को जलाएं जिससे क्या होता है, ये मॉस्किटो की डेथ हो जाए, आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मच्छरों की क्या हो जाए? डेथ हो जाए। नॉर्मल घरों में क्या करा जाता है? नीम की जो पत्तियां होती है उनको जलाया जाता है। उसके अलावा फ्यूमिगेशन करा जाता है इंसेक्टिसाइड्स का। किसका करा जाता है? इंसेक्टिसाइड्स का। वो इंसेक्टिसाइड पहले यूज़ होता था डीडीटी, बट डीडीटी अब पूरी तरीके से बैन है, क्योंकि ये अपनी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के अंदर एंटर कर चुका है। और फूड चेन के एंटर करने मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना और हमें डिफरेंट तरीके से हार्म पहुंचाना, डैमेज करना हमारे ऑर्गन्स को, जैसे किडनी डैमेज, लिवर, ब्रेन, यहाँ तक। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने डीडीटी क्या कर दिया? बैन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो यूज़ होते हैं आजकल पायरीथ्रोइड्स या पायरीथ्रीन, ठीक है, ये भी एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड्स है जो कि यूज़ होता है मलेरिया को कंट्रोल करने में, पायरीथ्रीन। और जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर ऐसे केमिकल्स का क्या करना? पानी इकट्ठे को बोलते हैं स्टेग्नेंट, ठहरा हुआ पानी, स्टेग्नेंट वाटर की कलेक्शन को क्या करना? अवॉइड करना, और ऐसे केमिकल्स का वहाँ पर स्प्रे करना जिसमें ऑलरेडी जो पनप चुके मॉस्किटो के लार्वा हैं उसको अपन क्या कर सके? रोक सके या किल कर सके, क्योंकि वेक्टर वाहक नहीं रहेगा, मॉस्किटो नहीं रहेगा, तो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज को ट्रांसमिट होने में हेल्प नहीं मिलेगी, वो अपने पोषक तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी
प्रिवेंशन की बायोलॉजिकल मेथड में मैंने आपको बता ही दिया गैम्बियोसिया मछली का उपयोग होता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें, जिस भी पेशेंट को अगर मलेरिया हो रहा है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती है, जिसमें दी जाती है क्लोरोक्विनोन। क्या दी जाती है? क्लोरोक्विनोन दी जाती है, पैरासिटामोल दी जाती है बुखार को कम करने के लिए, ठीक है। क्लोरोक्विनोन स्पेशली दी जाती है मलेरिया के लिए और पैरासिटामोल बुखार को कम करने के लिए, ठीक है। और जो दिए जाते हैं अमीन्स, ये सॉल्ट हैं दवाइयों के, ये दी जाते हैं। कई बार कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, अर्थात एक से ज़्यादा दवाइयों का उपयोग कर मलेरिया को ठीक किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्रीटमेंट ऑफ दी मलेरिया, ठीक है। आई होप आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बाद उससे होने वाली बीमारी, मलेरिया की टाइप्स और टाइप्स के बाद में उसका डायग्नोसिस, लक्षण और ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझाइए। चलिए प्लाज्मोडियम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आज जानते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य की आज हम बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम किन लोगों में या मलेरिया बीमारी किन लोगों में नहीं हो सकती। एनी आइडिया? मलेरिया किन लोगों को होने की संभावना कम होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। ऐसे कौन से पर्संस हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मलेरिया होने की संभावना अत्यधिक कम होती है या ना के बराबर होती है? ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। के अंदर म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा, या आपने सेल बायोलॉजी में भी मैंने आपको पढ़ा है, पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा क्या हो जाता है, आरबीसी जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है, राउंड होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और आरबीसी किस तरीके से हो जाते हैं, सिकल शेप के। हाँ जी, अब बताइए, एक तो ये शेप है, इसमें बहुत सारे पैरासाइट हैं और इसके अंदर क्या पैरासाइट इसके अंदर प्लाज्मोडियम क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है क्या? नो, प्लाज्मोडियम नीड्स स्पेस टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एंड दिस स्पेस इज नॉट प्रेजेंट इन द सिकल सेल आरबीसी। ये नॉर्मल आरबीसी है लेकिन एक म्यूटेशन के द्वारा आरबीसी की शेप क्या हो जाती है, सिकल इस तरीके से, जिससे आप लोग घास वगैरह काटते हो, फसल वगैरह हटाते हो, ठीक है, उस तरीके से हो जाती है। तो इस वजह से जिन पर्सन को, जिन लोगों को ये जेनेटिक प्रॉब्लम है सिकल सेल अनीमिया, उन्हें मलेरिया होने की संभावना बहुत कम होती है, तथ्य ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपके कंप्लीट मलेरिया की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपके टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंदर, यूनिट वन लिख लीजिए, आज मैं यूनिट वन का टॉपिक कंटिन्यू करूँगी, वो है बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात शारीरिक संगठन स्तर। लिख लीजिए एक बार टॉपिक, शारीरिक संगठन स्तर। शारीरिक संगठन स्तर से आप क्या समझते हैं, पहले ये बताइए। आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि आपकी बॉडी किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सोच के देखिए आप कि पहले सिंपलेस्ट सेल था, उस सिंपलेस्ट सेल के बाद में धीरे धीरे जो सेल है वो डिवाइड होकर आगे टिश्यू सिस्टम बनाया, टिश्यू सिस्टम के बाद में ऑर्गन सिस्टम के ऊपर आया और ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हुआ। लेकिन बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से किस तरीके का चेंज आता है, आइए जानते हैं। बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले अगर मैं किसी बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, वो है आपका, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
बस ये बात ध्यान में रखिए, पहले चीज़ सिंपल थी, सिंपल से धीरे धीरे किसकी तरफ कंप्लीट होती गई, वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ होने का मतलब है उसके शारीरिक संगठन में भी और चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लग गई। क्या? सब में पहला जो लेवल है उसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक। हम ये बोलते हैं कि जो जीवन स्टार्ट हुआ वो हमारा सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था, यही पढ़ते हैं अपन, सिंगल सेल जो कि जीव द्रव्य से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इस प्रकार के लेवल को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के अंदर हम इसे कई बार ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। आप बोलेंगे मैम सेल से स्टार्ट होता है, नहीं, ए सेल्यूलर इसलिए बोला जाता है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट, ओनली अ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य ही सराउंडेड होता है सिंपली एक मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसलिए कई बार अपन इसको क्या बोल देते हैं, अकोशिकीय। क्या बोलते हैं? अकोशिकीय। इसमें ये जो प्रोटोजोन्स है यानी अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल दी एक्टिविटीज एक ही कोशिका के द्वारा, जीव में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या किया जाता है, क्रियाएं संभव होती है, जैसे चाहे श्वसन हो, जैसे आपका एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, इस तरीके से। ये बहुत ही सरल जीव होते हैं जिसमें अपन ने अमीबा की स्टडी करी थी, और एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती, इनमें किसी भी प्रकार का श्रम का विभाजन नहीं पाया जाता, अर्थात जो भी कार्य हो रहा है पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए वो सिर्फ एक ही सेल कर रहा है, यानी सिंगल सेल को एक जीवित एंटिटी के रूप में देखा जाता है। आप इसके बारे में उतार लीजिए, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, नो डिविजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन नहीं होता, इसमें बिल्कुल सरलतम आपके जीव आते हैं सारे फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन नहीं होता सेल्स का। जैसे हम आपकी बॉडी की बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, आई सेल्स अलग होते हैं, रेस्पिरेटरी सेल्स अलग होते हैं, लिवर के सेल्स अलग होते हैं, स्किन सेल्स अलग होते हैं, यानी हमारी प्रत्येक कोशिका विभेदित है और प्रत्येक कोशिका का कार्य अलग अलग है। ठीक है, यानी डिविजन ऑफ लेबर हम में प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्पेशलाइजेशन नहीं होता। आइए नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं, वो आता है आपका सेल्यूलर लेवल, यानी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से अब हम अपन कहाँ पर चले, सेल्यूलर लेवल के ऊपर। नंबर टू, सेल्यूलर, सेल्यूलर के अंदर आप यूनि सेल्यूलर की बात भी कर सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर की बात भी कर सकते हैं। यूनि सेल्यूलर में सिंगल सेल, जिसको हमने ए सेल्यूलर भी बोला था और इसमें हमने प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, सेल्यूलर में धीरे धीरे ये सेल क्या होते जाते हैं, एग्रीगेट होते जाते हैं, या ये कहिए कि ये सेल डिफरेंट टाइप्स में विभेदित होने लग जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंशिएशन विभेदन पाया गया था वो कौन सी फाइलम में पाया गया था, पॉरीफेरेंस में, यानी स्पंजेस के अंदर। स्पंजेस आर द सिंपलेस्ट मेटाजोन्स जिनके अंदर मल्टी सेल्यूलरिटी या मल्टी बहुकोशिकीय पाया गया था, फॉर एग्जाम्पल कोएनोसाइट्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबोसाइट, जिसके बारे में मैं बिल्कुल स्पेशली एक अलग से लेक्चर दे चुकी हूँ। ठीक है, ये सारे सेल्स का कार्य अलग अलग होता है, यानी जैसे ही मल्टी सेल्यूलरिटी स्टार्ट होती है मल्टी टास्किंग भी स्टार्ट हो जाती है। मल्टी टास्किंग का मतलब होता है हर सेल अपना अपना कार्य करेगा, श्रम का विभाजन धीरे धीरे होने लग गया है, यानी टिश्यू अभी सिंपल था, सिंपल से किसकी तरफ जा रहा है, और जटिल संगठन की तरफ जा रहा है। किसमें पाया गया ये, पॉरीफेरेंस में सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ। ठीक है, कोएनोसाइट्स इसका एग्जाम्पल हो गया। सिंपलेस्ट मेटाजोन से उतार लीजिए, सिंपलेस्ट मेटाजोन्स, दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब धीरे धीरे जब ये सेल एग्रीगेट होने लग गए तो नेक्स्ट लेवल आता है आपका, नंबर थर्ड लेवल, सेल से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिका से ऊतक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें
डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एग्रीगेट होकर यानी एकत्रित होकर किसका निर्माण किया? टिश्यू का. किसका? टिश्यू का. सर्वप्रथम ये चीज़ देखी गई सीलेंट्रेट्स के अंदर, जैसे जेली फिशेस के अंदर. ठीक है, इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ. ठीक है, इनके अंदर माउथ डेवलप हुआ. माउथ डेवलप हुआ यानी हर एक कार्य को करने के लिए इनके पास में एक डिफरेंट सेल्स थे जो एकत्रित कर कर क्या करा इन्होंने, डिफरेंट नर्वस सिस्टम नहीं कहूंगी मैं, सिंपल नर्व कॉर्ड्स आई, लेकिन उसके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं थे. चीज़ें धीरे धीरे विभेदित होना चालू हो गई. तो ये कौन सा लेवल आ गया आपका? सेल से टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जेलीफिश जिसका एग्जाम्पल है. ठीक है, सेल्स इसमें स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज होते हैं. ठीक है, और अपना अपना कार्य करते हैं. जैसे नर्व सेल्स पूरी बॉडी के अंदर एकत्रित होते हैं और क्या करते हैं, फैले रहते हैं और स्प्रेड रहते हैं, और स्प्रेड रहने की वजह से ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. और ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक. क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक. अर्थात इनके अंदर सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म डेवलप होती है, और जो मीजोग्लिया होती है मीजोडर्म, वो जेली यानी जिलेटिनस होती है, डेवलप नहीं होती. तो ये कौन सा सिस्टम था आपका? सेल से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब अपन धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ते हैं? टिश्यू से ऑर्गन लेवल की तरफ. अब जब बहुत सारे टिश्यूज, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए विद एग्जाम्पल अलग अलग शारीरिक संगठन स्तर. नेक्स्ट है आपका टिश्यू से ऑर्गन लेवल, अर्थात जब बहुत सारे टिश्यूज एकत्रित होकर एक ऑर्गन बनाएंगे और उस ऑर्गन का कार्य स्पेसिफिक होगा यानी ये विभेदित होते हैं, तो वो कौन से प्रकार का कहलाया? टिश्यू से ऑर्गन लेवल का. ठीक है, और ऐसे जीव क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनके अंदर थ्री जर्म लेयर्स डेवलप होती है. थ्री जर्म लेयर्स डेवलप होती है. मीजोडर्म जिसे बोला जाता है मिडल वाले को, वो प्रेजेंट होती है एक्टो और एंडो के बीच में. ठीक है, इसके अंदर भी जो मेटाजोन्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि उनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है. तो ये कौन से बात हो गई? टिश्यू से ऑर्गन लेवल की. उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं तो उन्हें बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, ये लास्ट और उच्चतर स्तर है शारीरिक संगठन का, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिख के आएंगे? ऑर्गन सिस्टम. और इसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इसका एग्जांपल आप खुद है. फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है. फॉर एग्जांपल आपका नेसल पैसेज यानी नोज, नेसल पैसेज, उसके बाद में आपकी ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में लंग्स, और लंग्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एल्वियोलाई. ठीक है, तो यानी इतने सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम का कार्य किया, और यहाँ पर पूर्णतः डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है. हर एक अंग अपना विशिष्ट कार्य करता है, डिवीजन ऑफ लेबर. दूसरे सिस्टम की अगर अपन बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जितने भी हाई कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. या ये चालू हो जाता है ऑर्गन सिस्टम बनना आपके, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है. फीमेल का एग्जांपल लें तो ओविडक्ट, ओवरी, यूटरस, ये सारे सारे किसके अंदर आ गए? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आ गए. और ये जीव भी क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, इनमें कंप्लीट होते हैं सिस्टम, सेपरेट होते हैं. इसका एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एसके हेलमिंथीस से. कहाँ से? एसके हेलमिंथीस से. और अगर दूसरी ओर हम बात करें, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मा, ये जो कॉर्डेट्स हैं ये भी सारे क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यूसिलोमेट्स होते हैं, और उच्चतर स्तर को क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर, या इनका बॉडी जो होता है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है? ऑर्गन
सिस्टम के ऊपर। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ योर यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। गो थ्रू इट। थैंक यू।